नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में कोरोना की जबरदस्त लहर, पटना में 1015 नए केस, प्रदेश में 1659 संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होते जा रही है। बिहार में संक्रमण का बड़ा विस्फोट हुआ है। राज्य के अंदर आज कुल 1659 नए मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी पटना में 1015 मरीजों की पहचान हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट है। एक दिन में लगभग दोगुने मरीज बढ़ रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। बता दें कि बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1659 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा केस पटना में 1015 मिले हैं। एक दिन में लगभग दोगुने मरीज बढ़े हैं, जबकि मंगलवार को पटना में 565 मामले सामने आए थे। वहीं बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 893 थी। कोरोना का संक्रमण यदि इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो स्थितियां और भयावह हो सकती है। इसके लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि चेहरे पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें, और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए लक्षण, शरीर में ऐसे परिवर्तन दिखे तो तुरंत कराएं जांच। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मरीजों की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वायरस के शिकार बनने वाले मरीजों में कई तरह के लक्षण दिख रहे हैं। कोरोना के प्रमुख लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दम फूलना तो है ही, लेकिन अगर कुछ नए लक्षण दिखे तो भी तुरंत सतर्क हो जाए। ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों की शोध के बाद वैज्ञानिकों ने इसके नए लक्षण की जानकारी दी है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने चेतावनी दी है कि त्वचा, नाखून और होंठ के रंग का बदलना भी ओमिक्रॉन के लक्षण है। इस संस्था के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत कोरोना का टेस्ट कराएं। ओमिक्रॉन वायरस का यह नया लक्षण काफी लोगों में देखने को मिला है। CDC के चिकित्सकों ने कहा है कि स्किन यानी कि त्वचा, नाखून और होंठ का पीला, ग्रे या नीला होना ओमिक्रॉन के लक्षण है। इससे पता चलता है कि शरीर में खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। चूंकि कोरोना होने पर खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लिहाजा त्वचा, होंठ और नाखून का रंग बदलने लगता है। बिहार में कोरोना के कारण स्कूल बंद, जानिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ नई बंदिशें लागू कर दी गई है। स्कूलों के संचालन को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है। राज्य में 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक 21 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे और उन्हें केवल ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था दी जाएगी। हालांकि 8वीं से ऊपर के बच्चों को आधी उपस्थिति के साथ स्कूल बुलाया जा सकेगा। सरकार ने जो आदेश जारी किया है इसके मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों को इससे सख्ती के साथ लागू करना होगा। राज्य में कोरोना की स्थिति भयावह होती देख सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी तरह के प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी सरकार का यह आदेश लागू होगा। हालांकि कोचिंग संस्थानों को लेकर अब तक स्पष्ट गाइडलाइन का इंतजार है। राज्य में कोचिंग संस्थानों को भी 50% उपस्थिति के साथ ही संचालित करने का आदेश दिया गया है। 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए अगर कोई स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई देना चाहते हैं तो वह भी दी जा सकती है। हालांकि किसी भी स्कूल में किसी भी हालत में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति की मनाही होगी। तीसरी लहर में सबसे बड़ा संकट डॉक्टरों पर, IMA के सम्मेलन से हुई चूक। बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में सबसे ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ही आए हैं। संक्रमण की पहली खेप भी डॉक्टरों के अंदर ही देखने को मिली थी। पटना में पिछले दिनों आयोजित IMA के सम्मेलन को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। IMA के सम्मेलन में हुई लापरवाही और चूक का नतीजा यह हुआ कि एकमुश्त तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो गए। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के संक्रमण का यह सिलसिला बस्तर जारी है। पटना के आदेश के बाद अब पटना एम्स में भी कई डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना के PMCH में मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना के बड़े मामले देखने को मिले हैं। NMCH में 3 दिनों में लगातार सीनियर, जूनियर और मेडिकल स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मंगलवार को यह 77 डॉक्टरों की जांच की गई, जिसमें 59 पॉजिटिव पाए गए। NMCH के प्रचार डॉक्टर HL महतो के मुताबिक मंगलवार को 77 डॉक्टरों की जांच में 59 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें कुछ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स भी शामिल है। प्रशासन ने तत्काल सभी तरह के क्लासेस को सस्पेंड कर दिया है और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। NMCH कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ था। यहां सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होता रहा, लेकिन आज यह अस्पताल खुद संक्रमण की चपेट में है।
तेजस्वी की बिहार यात्रा पर कोरोना का साया, बेरोजगार रैली भी टलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अक्टूबर महीने में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वह बिहार में देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैली करेंगे। 27 अक्टूबर को तेजस्वी ने इस बात की घोषणा की थी और आगामी 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद तेजस्वी बिहार दौरे पर निकलने की तैयारी में थे, लेकिन कोरोना वायरस की लहर ने तेजस्वी की सारी प्लानिंग को गड़बड़ कर दिया है। दरअसल इस तीसरी लहर की जबरदस्त रफ्तार को देखते हुए सरकार ने राज्य के अंदर नए सिरे से पाबंदी लागू कर दी है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजनों पर बंदिशें लगाई गई है। केवल 50 लोगों के साथ ही किसी कार्यक्रम को आयोजित करने और उसकी भी अनुमति पूर्व में लेने की गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा खटाई में पड़ती दिख रही है। पटना साहिब में प्रकाश पर्व पर निकलने वाले नगर कीर्तन और अन्य आयोजन हुए रद्द। बिहार में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ नई पाबंदियां लागू की गई है, जिसमें स्कूलों, पूजा स्थल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे और सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वहीं अब खबर आ रही है कि पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व पर निकलने वाली बड़ी प्रभात फेरी, नगर कीर्तन और अन्य आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। अब सांकेतिक रूप से कुछ लोगों की मौजूदगी में धार्मिक रस्म किया जाएगा। यह निर्णय तख्त श्री कमेटी के पदधारियों, संगतों, जत्थेदार आदि की मौजूदगी में हुआ है। बता दें कि पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज का प्रकाश पर्व पर निकलने वाला बड़ी प्रभात फेरी, नगर कीर्तन और अन्य आयोजन को रद्द कर दिया गया है। सहरसा में मिला प्लास्टिक का अंडा, पीड़ित ने सिविल सर्जन से की शिकायत, भेजा गया जांच में। इस वक्त की बड़ी एवं चौंकाने वाली खबर सहरसा से आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गंगजला चौक निवासी बाबुल सिंह ने मंगलवार को सिविल सर्जन सहित फूड ऑफिस पहुंचकर जिले में प्लास्टिक के अंडे के धड़ल्ले से बिक्री होने की शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा नमूने के तौर पर घर से तले हुए अंडे को भी लाया गया था, जिसे सिविल सर्जन को दिखाया गया। वहीं फूड पदाधिकारी को भी दिखाया गया था। उनके द्वारा किए गए शिकायत पर सिविल सर्जन सहित फूड विभाग के अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लिया। उनके द्वारा लाए गए अंडे के नमूने को सील की गई है, जिसके जांच के लिए पटना भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आने के बाद प्लास्टिक के अंडे के होने की पुष्टि होते ही बड़ी कार्रवाई होगी। फिर एक बड़े फर्जीवाड़े का भी उद्भेदन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, तैयारी में अस्पताल। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, इसको लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सिविल सर्जन के नेतृत्व में अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में आई कमियों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की तैयारी है। अस्पताल के कोविड-19 वार्ड को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही वेंटिलेटर ऑपरेटर की बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो फिलहाल आज से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावे सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। बिहार में ठंड का कहर, न्यूनतम पारा 10 से नीचे अगले 2 दिनों तक, कोल्ड डे के हालात। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है, हर दिन तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और अन्य उत्तरी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवा के आने और नमी की वजह से कुहासा के साथ साथ फिर कनकनी बढ़ गई है। आने वाले 2 दिनों तक पटना सहित पूरे बिहार कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। वहीं मंगलवार की शुरुआत भीषण कुहासे से हुई, दोपहर में हल्की धूप निकली थी, शाम होते ही ठंड के असर की वजह से लोगों को घर में कैद रहने के मजबूर कर दिया। बता दें कि मंगलवार को पटना, गया, पूरा बांका, पूर्णिया, छपरा, फरिश्तगंज समेत कई शहर कोल्ड डे की चपेट में रहा। राज्यभर में पटना में सबसे घना कोहरा छाया रहा और इस सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 100 मीटर थी। हालांकि दिन होते ही कुहासा छटा, हल्की धूप निकली, पर शाम में फिर कुहासा छा गया था। पटना में गंगा पर बनेगा एक और 6-लेन पुल, यूपी जाना होगा और आसान। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6-लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द ही
पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।